हॅलो फ्रेंड्स, मी आनंद कुमार. वेलकम टू माय चॅनल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मॅथ ऑफ क्लास 9. फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये रियल नंबर होते क्या है. व्हाट इज रियल नंबर? The number which is in the original form, वैसे number जो अपने आप में एक पूर्ण संख्या हो, जो अपने आप में एक वास्तविक संख्या हो, उस number को हम लोग real number कहते हैं. कहने का मतलब है वैसे संख्या जिसको हम लोग real value बोल सकते हैं, काल्पनिक नहीं, जो माना नहीं जाता, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं. रियल नंबर के टाइप्स होते हैं. फर्स्ट में नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. व्हाट इज All counting number are called natural number. जितने भी counting number होते हैं सबको हम क्या कहते हैं? Natural number कहते हैं. ठीक है. सेकेंड इज होल नंबर. सेकेंड इज होल नंबर. होल कहने का मतलब पूरी नंबर. अगर हम लोग देखते हैं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और ये इनफाइनाइट तक जाती है. तो ये नंबर अभी तक कंप्लीट नंबर नहीं है. ठीक है. तो जब तक इसमें हम लोग जीरो को ऐड नहीं करेंगे, जब तक हम लोग जीरो को ऐड नहीं करेंगे तब तक ये कंप्लीट नंबर नहीं बनेगा. और जैसे ही नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये मेरा होल नंबर बन जाता है. तो इसका सिंपल इक्वेशन है जीरो प्लस नेचुरल नंबर. अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो मेरा बन जाता है होल नंबर. तो होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जीरो से और इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं. ठीक है. थर्ड इज इंटीजर. थर्ड इज इंटीजर. बोला जाता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर विथ जीरो. जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और निगेटिव नंबर होते हैं और उसके साथ अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो पूरा कॉम्बिनेशन आपका इंटीजर्स कहलाते हैं. All positive, negative with zero are called integers. आइए हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो करके देखते हैं. सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं. इस नंबर लाइन में मिडिल में आपका जीरो होगा. ये आपका 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल जाएंगे. उसी तरह से -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक चल जाएंगे. अब लोग नंबर लाइन के बारे में समझते हैं. तो अगर हम लोग
से कहें, वन से लेकर के वन टू थ्री फोर फाइव, वन से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक अगर हम लोग कहते हैं तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल नंबर। और उसी के साथ अगर हम लोग जीरो को ऐड करके चले, जितने भी जीरो को ऐड करके चले तो आपका कहलाएगा होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर। अगेन अब इसमें अगर हम पूरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव विथ जीरो को अगर शामिल करें तो ये आपका कहलाएगा इंटीजर्स। क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। कहने का मतलब हुआ कि अगर माइनस एट लिखते हैं तो ये भी इंटीजर्स हैं, माइनस सिक्स लिखते हैं तो ये भी इंटीजर्स है, अगर ट्वेल्व लिखते हैं तो ये भी इंटीजर्स है। तो इसमें आपका माइनस एट, माइनस सिक्स, ट्वेल्व, ये सारे जो है इंटीजर्स है। जीरो का राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। हाँ, ये जो आपका जीरो होते हैं, आपका जो जीरो होते हैं ना तो कभी पॉजिटिव में हो सकता है और ना ही कभी निगेटिव में हो सकता है। जीरो के साथ कभी भी आप लोग प्लस या माइनस का सिंबल लगेंगे नहीं देखते। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, एंड विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। चलिए इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि जितने भी और नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर, आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आती है, ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। समझिएगा, बोला जाता है कि ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं। चलिए समझते हैं। मान लिया जाए ये 12, तो 12 एक होल नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों सेम होते हैं, बट डिफरेंस इज ओनली फॉर जीरो, ओनली फॉर जीरो। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में जीरो कंबाइन नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को नहीं लेते हैं तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर है नेचुरल नंबर हो जाएंगे? ठीक है, बात समझ में आई? तो इसीलिए जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं और नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल
नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है, होल नंबर है। चलिए देखिए, अगर हम लोग नंबर का किसी तरह से सोचते हैं तो ये देखिए, ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। बट 0 को अगर मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका ये जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये जो है होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर आपका जीरो से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक है, बट नेचुरल नंबर में वन से लेकर के इनफाइनाइट तक है, जिसमें आपका जीरो कंबाइंड नहीं, जीरो कंबाइंड नहीं। तो कहा जाता है इसी तरह से कि होल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है, इसी में बोला जाता है ऑल होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। चलिए, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी होल नंबर होते हैं क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। कैसे, तो अगर हम कहें कि मैंने ये 3 होल नंबर लिखा, तो 3 इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या था, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और उसके साथ साथ जीरो, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, जितने भी नेगेटिव नंबर है और उसके साथ जीरो, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 3 जब पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, थर्ड इज ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर। सही बात है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सभी को होल नंबर नहीं कर सकते। कैसे, तो मैंने ये इंटीजर्स लिखा -8, तो ये -8 एक इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। अगर हम लोग कहें कि -13 एक इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं सभी इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कर सकते। हाँ, ये 7 एक इंटीजर्स है, इसके साथ साथ इसमें भी होल नंबर भी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं उसको होल नंबर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब देखते हैं आगे
रेशनल नंबर क्या आता है? रेशनल नंबर जी पता है आपको आता होगा, ठीक है। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जहां वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो आप लोगों को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, उसके साथ साथ जीरो को भी हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। बट रेशनल नंबर में q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। q does not equal to zero, q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अगर हम लोग इस फ्रैक्शनल नंबर को लिखते हैं -8/7, जहां देखिए -8 इंटीजर है, 7 भी क्या है? इंटीजर है। लेकिन अगर इसी फ्रैक्शनल को अगर कोई लिखता है 9/0, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका क्यू जो है जीरो के बराबर हो चुका है। तो वैसा रेशनल नंबर जो जीरो के बराबर ना हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। हाँ, ये अपने माइंड में ये मत सेटअप कीजिएगा कि 0/9 अगर रहेगा तो ये रेशनल नंबर होंगे या नहीं, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज आपका p का वैल्यू इंटीजर्स है और q जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि p कुछ भी हो सकता है लेकिन q जीरो को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? चलिए, हाँ, अब हम लोग कहेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या बोल सकते हैं? और नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है सबको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। बोलिए कैसे? तो देखिए 13 एक रेशनल नेचुरल नंबर है और सबको जानते हैं कि हर नंबर का डिनोमिनेटर में 1 जो होता है हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या हम लोग 13 को 13/1 नहीं ले सकते हैं? तो क्या ये p y q के फॉर्म में नहीं है? देख लीजिए, ये आपका p है और ये आपका q। तो 13/1 आपका p y q के फॉर्म में है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, और क्या बोल सकते हैं? ऑल होल नंबर, आर रेशनल नंबर। और होल नंबर और रेशनल नंबर जी जितने भी होल नंबर है, तो होल नंबर में आपका सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड होता है। तो अभी बताएं कि नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, तो 0/1 भी एक नेचुरल नंबर होगा, एक होल नंबर होगा, जिसमें 0/1 को हम लोग क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
ऑल इंटीजर इंटीजर इज रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर इज रेशनल नंबर। तो आपका इंटीजर में -8, -6, 8, 9, 0, 7 ये सब है इंटीजर्स, लेकिन सभी के नीचे वन हिडन रहता है। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर बन गया जिसमें आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखाते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर। ठीक है, नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग ये कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्या बोले? कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। उसी प्रकार से प्रत्येक रेशनल नंबर को होल नंबर भी नहीं कह सकते। प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते, और उसी तरह प्रत्येक रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं कह सकते। प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या नहीं कह सकते हैं? इंटीजर्स नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। हम लोग ने आज पढ़ा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, जिसमें बताया गया कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो एक होल नंबर बन जाती है। ठीक है, और अगर होल नंबर में हम लोग नेगेटिव नंबर को ऐड कर देते हैं तो वो आपका इंटीजर बन जाता है। ठीक है, और पूरे इंटीजर्स को अगर हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका बन जाता है रेशनल नंबर। क्या बन जाता है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो का अगला पार्ट हम लोग अगले भाग में देखेंगे। ठीक है, तब तक जो आपको समझ में नहीं आए हो उसके बारे में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।